खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाइए और 7i न्यूज को सब्सक्राइब करिए। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और चाचूड़ा विधायक लक्ष्मण सिंह ने तबादले को लेकर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा है कि पहले भी ट्रांसफर होते थे, लेकिन ट्रांसफर होने के बाद इस पर प्रतिबंध लग जाता था, निरंतर तबादले नहीं किए जाते थे। तबादलों से प्रशासनिक व्यय होता है और प्रदेश पहले से ही कर्ज में है, ऐसी स्थिति में खर्चे बचाना चाहिए। तबादलों से खर्च का बोझ सरकार पर बढ़ता है, कई करोड़ सरकार तबादलों पर खर्च कर चुकी है। उन्होंने कहा है कि तबादलों को सिर्फ एक माह के लिए ही खोलना चाहिए, फिर इस पर प्रतिबंध लगा देना चाहिए ताकि सरकार पर इसका अभिभार ना पड़े। वहीं उन्होंने एक ही अधिकारी के बार बार तबादले और आदेश जारी होने के बाद तबादले निरस्त होने पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा ऐसा नहीं होना चाहिए, इससे संदेह होता है कि कहीं कोई लेन देन तो नहीं हुआ और विपक्ष को भी सरकार पर आरोप लगाने का मौका मिलता है। सर, ट्रांसफर को लेकर लोग हैरान परेशान हैं, क्या? देखिए, पहले जो सरकारें थीं उस समय भी ट्रांसफर होते थे, ट्रांसफर होते हैं कोई भी सरकार, लेकिन ट्रांसफर होते थे और फिर बैन लग जाता था जिससे कि अधिभार सरकार पे नहीं पड़े, क्योंकि ट्रांसफर में सरकार का खर्चा बहुत होता है। अभी मैं समझता हूँ कई करोड़ तो ट्रांसफर में खर्च हो गए हैं, जबकि मध्य प्रदेश कोई 1.5-2 लाख करोड़ कर्जे में है, तो हमको पैसा बचाना चाहिए और अब ट्रांसफर पे बैन लगा देना चाहिए, बैन रहना चाहिए, महीने भर के लिए खोलिए फिर बंद कर दीजिए। सर, ट्रांसफर हो रहे हैं, कैंसिल हो रहे हैं, फिर हो रहे हैं, फिर कैंसिल हो रहे हैं, ये गलत है, क्योंकि इसमें संदेह होता है कि कुछ लेन देन हुआ है और इस पर विधानसभा में आरोप लगाए गए हैं विपक्ष द्वारा, तो विपक्ष को क्यों मौका दें? इसलिए तबादला हो तो हो, फिर रुके ना।